और इस वक्त की बड़ी खबर संदेश खाली को लेकर एनएचआरसी की टीम लगातार दूसरे दिन यहां पहुंची है। पीड़ित महिलाओं के बयान दर्ज किए जाएंगे। कल भी एनएचआरसी की टीम ने यहां दौरा किया था। पश्चिम बंगाल में आज फिर संदेश खाली पहुंची है एनएचआरसी की टीम। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम यहां पहुंची है। महिलाओं ने जिस तरह से शेख शाहजहां टीएमसी के नेता और उसके गुर्गों पर यौन शोषण का आरोप लगाया है, बेहद गंभीर आरोप, और इस मामले पर एनएचआरसी ने संज्ञान लिया है। लगातार दूसरे दिन आज संदेश खाली का दौरा कर रही है और वहां पर पीड़ित महिलाओं के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। संदेश खाली को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार लगातार सवालों के घेरे में। दीदी के पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार करने का आरोप लग रहा है, और वहीं पीड़ितों से बातचीत करेगी एनएचआरसी की टीम। ममता बनर्जी के खिलाफ गुस्सा भी नजर आ रहा है और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के घरों पर हमला किया जा रहा है। इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम कल संदेश खाली पहुंची थी। आयोग के सदस्यों ने पीड़ितों से बात की और उनके बयान दर्ज किए, जिसके मुताबिक उनके ऊपर अत्याचार किया गया था। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली को लेकर लगातार सियासी संग्राम भी छिड़ा हुआ है। वहीं एनएचआरसी की टीम लगातार दूसरे दिन पहुंची है और पीड़ित महिलाओं के बयान दर्ज किए जाएंगे। एनएचआरसी ने बात की और शेख शाहजहां और टीएमसी नेताओं पर महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं, यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं। शेख शाहजहां और उसके समर्थकों पर जमीन हड़पने के भी आरोप लगे हैं। सुमित सेन गुप्ता इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, एनएचआरसी की टीम लगातार दूसरे दिन पहुंची है, पहले दिन क्या कुछ उनको महिलाओं ने बताया और आज जो ये मुलाकात हो रही है इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, एनएचआरसी की जो टीम है वो दो हिस्सों में बांटकर कई जगहों पर जा रहे हैं। जहां पर जेलिया खाली, जहां पर शिवू हजरा का घर पहले जलाया गया था, जब आगजनी की गई थी तो उसको किया गया था, ये फरवरी 9 तारीख की बात है। उस जगह पर एक टीम वहां पर गया और एक टीम संदेश खाली के आसपास के इलाके में है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वो बात कर सके और लोगों से जान सके। और खासकर यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है जमीन हड़प लेना और महिलाओं के ऊपर यौन शोषण। इन दोनों बातों को लेकर ही जो महिलाएं हैं या फिर स्थानीय लोग हैं, गांव वाले हैं, वो एनएचआरसी की टीम के जो सदस्य हैं उनके सामने रख रहे हैं, ताकि उनकी बात, क्योंकि इससे पहले भी एसटी कमीशन भी आया, एससी कमीशन भी आया, वुमेन्स कमीशन भी आया, अब ह्यूमन राइट्स कमीशन के साथ तरफ से भी वो चाहते हैं कि अपनी बात रखा जाए और राष्ट्रपति तक उनकी बातों को पहुंचाया जाए, ताकि किस प्रकार लगातार वो पुलिस के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस कुछ नहीं किया, पुलिस अगर कानून की व्यवस्था को ठीक से संभालते तो ऐसी स्थिति नहीं होती। हम आपको बता दें, आज भी डीजीपी राजीव कुमार संदेश खाली में ही है और राजीव कुमार का कहना है, कुछ देर पहले राजीव कुमार ने मीडिया जी ठीक है समित, हम आपके पास लौटेंगे दोबारा। तो शेख शाहजहां को लेकर के ये पूरा मामला है, उसके सपोर्टरों पर और खुद उसके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और पुलिस के ऊपर जो पीड़ित महिलाएं हैं वो भी सवाल खड़े कर रही हैं कि वो पीड़ित महिलाओं पर ही जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, जबकि जो आरोप लगाए गए थे उन पर कार्रवाई नहीं की गई थी। समित हमारे साथ बने हुए। समित, अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल पुलिस को लेकर के सवालों के घेरे में है कार्रवाई उसकी? देखिए, पुलिस की तरफ से जो अभी जैसे मैं बता रहा था कि पुलिस की तरफ से डीजीपी ने अब से कुछ देर बाद एक बयान जारी किया और उसमें बताया गया कि अगर पुलिस की तरफ से कोई कमजोरी थी तो उसको रेक्टिफाई किया जा रहा है और लोगों से बात किया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द लोगों की जो समस्याएं हैं उसको एड्रेस किया जाए और कानूनी तौर पर उस कदम उठाया जाए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी पुलिस की तरफ से बताया गया, डीजीपी ने खुद बताया कि जो लोग, अगर ऐसा है कि उनका घर तोड़ा गया या उनका जमीन हड़प लिया गया, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो कानून हाथ में ले ले, तो पुलिस दोनों तरफ को सतर्क। और पार्टी की जो ऑफिशियल लाइन है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जब शेख शाहजहां का बचाव किया तो निश्चित तौर पर जो पीड़ित हैं उनके मन में यही सवाल उठा है कि फिर आखिर पुलिस से उन्हें न्याय कैसे मिल पाएगा। बहुत शुक्रिया समेत पूरी जानकारी के लिए। ज़ी न्यूज़।